हम इंसानों ने समय को एक लय में बांधा है, जैसे कि सेकंड, आवर, दिन, सप्ताह, महीने, साल, सदियां और युग, और उसकी गणना के लिए पंचांग या कैलेंडर का उपयोग होता रहा है। दुनिया के विविध क्षेत्रों में अलग अलग समय पर कैलेंडर रचे गए। ज्ञात इतिहास में माना जाता है कि सबसे पहले हिब्रू या यहूदी कैलेंडर की रचना हुई, जिसका आरंभ 3500 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे डियोनिसियस एक्जियस ने बनाया था। ये एक ल्यूनिसोलर कैलेंडर था, मतलब कि सूर्य और चांद दोनों को बेस करके बनाया गया था, जिसके पूरे साल में 12 से 13 महीने थे, मतलब कोई साल 12 तो कोई साल 13 महीने का होता था, और 353 से 385 दिन थे। उसके बाद मूल चीनी कैलेंडर की शुरुआत 2500 साल पहले हुई थी, और उसके बाद जीसस क्राइस्ट के जन्म के 57 साल पहले भारत में विक्रम संवत को अपनाया गया। अब इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसके प्रणेता नेपाल के लिच्छव वंश के प्रथम राजा धर्मपाल भूमि वर्मा विक्रमादित्य थे, तो गुजरात के कई खोजकर्ता और देश के कालगणना शास्त्री ये मानते हैं कि इसके प्रणेता भारत के सम्राट विक्रमादित्य थे। विक्रम संवत में 12 महीने का एक साल होता है, और हर तीसरे साल साल में एक महीना जोड़ दिया जाता है। दुनिया में सबसे पहले 7 दिन का सप्ताह रखने की शुरुआत इसी कैलेंडर में हुई थी। ये सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित कैलेंडर है, और ये संवत आज भी नेपाल का आधिकारिक और राष्ट्रीय संवत है। विक्रम संवत को आज भी गुजरात में अपनाया जाता है। गुजरात में विक्रम संवत के कार्तिक माह के प्रथम दिन से नए साल की शुरुआत होती है, जिसे बेस्तु वर्ष या नूतन वर्ष भी कहा जाता है। उसके बाद आता है किंग रोमुलस का कैलेंडर। किंग रोमुलस रोम के पहले राजा थे, और उनके नाम पर से उनके कैलेंडर का नाम था रोमन कैलेंडर। ये ल्यूनर या चांद पे बेस कैलेंडर था। इसमें साल भर के 10 महीने थे, और एक महीने में 29 से 30 दिन थे। उसके बाद शुरू हुआ जूलियस सीजर का कैलेंडर, जिसे जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। इस कैलेंडर को हिपरक्रेस ने बनाया था। ये वही हिपरक्रेस है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री भी बनाया। ये एक सोलर कैलेंडर था, और उसमें साल भर के 12 महीने थे, और एक महीने में 28 से 31 दिन थे। पूरे साल में 52 वीक थे, और एक वीक में 7 दिन थे। और ईसाई कैलेंडर का आरंभ हुआ क्राइस्ट के जन्म के बाद। उसके बाद सन 79 में हिंदू शक संवत का आरंभ हुआ। सन 622 में इस्लामिक कैलेंडर को अपनाया गया। आखिर में बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में, जिसे आज इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है, जिसे हर देश ने अपनाया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सोलर कैलेंडर है, और उसमें साल भर में 12 महीने होते हैं। महीने के 28 से 31 दिन होते हैं, और सालाना 52 वीक, और एक वीक में 7 दिन होते हैं। इस कैलेंडर को एलोसिस लिलियस ने बनाया था, और इसे पोप ग्रेगोरी ने फेमस किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर दरअसल जूलियस सीजर के जूलियन कैलेंडर का नया रूप है। इस कैलेंडर में हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है, जिसमें 365 में एक दिन जोड़ दिया जाता है, और वो साल हो जाता है 366 दिन का, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने के लिए लगते हैं पूरे 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड। और अगर 365 दिन के ऊपर के समय को 4 सालों तक मिलाया जाए तो पूरा एक दिन बन जाता है। इसलिए हर चौथे साल में एक दिन को जोड़ दिया जाता है, और वो साल 366 दिन का लीप ईयर बन जाता है। 1582 में कैथोलिक देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया, और उसके बाद सन 1752 में ब्रिटेन और अमेरिका सहित लगभग सभी पाश्चात्य संस्कृति ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। जापान ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1873 में अपनाया, और चीन ने 1949 में। हमने आगे जो देखे वो सारे अर्वाचीन कैलेंडर थे, लेकिन इतिहास के गर्भ में कुछ प्राचीन कैलेंडर्स का भी अस्तित्व था, जैसे कि इजिप्टियंस कैलेंडर, महाभारत काल की समय गणना और माया सभ्यता का कैलेंडर। भारत के शक और विक्रम संवत की फिर कभी बात करेंगे। आज 31st ईव है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साल का आखिरी दिन है। आज रात नए साल को पूरे विश्व में पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा, इसलिए मेरी ओर से आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी मंगल कामनाओं की दुआ के साथ फिर मिलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर।